आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या निर्णय लिया गया? आज अहमदाबाद शहर की मीटिंग रखी गई थी, उसमें प्रदेश के तमाम अहदेदार और अहमदाबाद के तमाम अहदेदार हाजिर थे और सभी काउंसिलर हाजिर थे। इस मीटिंग के अंदर हमने तय किया कि अहमदाबाद के अंदर हम लोग 5 सीट लड़ाएंगे। 5 सीट जो है बापूनगर, दारियाबाद, जमालपुर खाड़िया, विजलपुर और दरियापुर खाड़िया, ये 5 सीट पर हम लोग अहमदाबाद के अंदर लड़ाएंगे। जैसा देखा गया है कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी सभी सीटों से लड़ा नहीं सके, तो अहमदाबाद की 16 सीटें हैं तो सभी पे क्यों नहीं लड़ रही है, सिर्फ 5 सीटों पे ही की है? या हम जीत सकते हैं उसी सीट पर हम लोग इलेक्शन लड़ाएंगे, बाकी जो नहीं जीतने वाली सीट पर लड़ा कर टाइम वेस्ट करना है, तो फिर पता है कि जो सीट जीत सकते हैं उसी पर लड़ाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर आना है जरिए है, और विपक्ष के अंदर एक विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह निभा रही है। तो कुछ ऐसी बातें बन रही है कि कुछ MIM पार्टी बी टीम का काम कर रही है या फिर सी टीम, ऐसा कुछ भी, तो उसके ऊपर क्या रहेगा? ये सभी बोलते बी टीम, 27 साल तक हम लोग कहाँ थे, 27 साल से BJP की बैठी यहाँ पर, जब तो कोई बी टीम थी नहीं, जब हमारी पार्टी आई तो बी टीम सी टीम बोलना स्टार्ट कर दिया। आज अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद दौरे पर है और अरविंद केजरीवाल साहब ने ऐसा बोला है कि गुजरात के अंदर सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी, तो ओवैसी जी की पार्टी सभी सीटों पे क्यों नहीं लड़ना चाहती? नहीं, हम लोग जो सीट पर जीत सकेंगे उसी पर ही लड़ाना है, खाली टाइम वेस्ट क्यों करना है। आज हमारी पार्टी आई 1.5 साल हुआ है, आज 1.5 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर हम लोग 26 सीट लाए थे, तो हमको समय मिला है कि आज 1.5 साल का समय मिला, तो क्यों ना हम प्लानिंग से जितनी सीट जीत सकते उसी पर लड़ाएं।